सर, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि मीडिया के माध्यम से आप गलत तरीका से प्रचार प्रसार करवा रहे हैं कॉलेज का। मीडिया के मेरे आए हुए दोस्तों, सहयोगियों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर थोड़ा आगे हो जाएंगे। मेरे बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भाग लिया। मैंने इसलिए बुलाया है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कुछ शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 तारीख को सेकेंड हाफ में अपराह्न में मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के लिए तुल गया हूँ और हमारे चलते ही यहाँ परीक्षा नहीं होती है, हमारे चलते ही एडमिशन नहीं हो रहा है और हमारे चलते सारी परेशानियाँ हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी छात्रों के और कर्मचारियों के हित में नहीं हूँ। बराबर मैंने हित चाहा है और आज भी हित चाह रहा है। जब मैं सचिव था तो मैंने पहली बार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, उनका पीएफ नहीं कटता था, मैंने पीएफ कटवाने का सिस्टम शुरू किया, एक व्यवस्था कायम करने की कोशिश मैंने की। बाद में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिसके चलते हमको सचिव से हटना पड़ा। दूसरी बात यह है कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 2008-09 से ही ये चर्चा में, मीडिया में कम आता था, अब मीडिया में भी आ रहा है। 2-3 साल से ये मीडिया में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए कि प्राचार्य भ्रष्टाचार करती थी और उसी भ्रष्टाचार के चलते मैंने उन्हें निलंबित किया था। महामहिम के आदेश से वे निलंबन मुक्त हुए थे और एक जांच समिति बनी थी। जांच समिति ने इनके विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है, अगर कहिएगा तो कुछ पार्ट में दिखा दूंगा। उसमें 2 वाइस चांसलर थे, एक वाइस चांसलर, एक डिप्टी रजिस्ट्रार थे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के, और एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के थे। उन लोगों ने लिखा है अपने रिपोर्ट में, और की बात तो छोड़िए, लिखा है कि प्राचार्य किसी की बात नहीं मानते, सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए, मैनेजिंग कमेटी की बात नहीं मानते, कुलपति की बात नहीं मानते, और सबसे बड़े जो होते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ऑल इन ऑल महामहिम राज्यपाल की बात भी नहीं मानते। कहिएगा तो मैं उसका फोटो आपको दे दूंगा। उसके बाद बोला जाए, बोला जाए और क्या लिखा है उसमें? जी और क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि इन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया है उसकी और जांच की जाए। इनकी डिग्री बीए एमएस से इन्होंने पीएचडी किया है उसका कोई प्रावधान नहीं है, इसकी जांच विश्वविद्यालय को करनी चाहिए। रिपोर्ट इतनी मोटी है, वो रखी हुई है, ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूँगा बेटा, जिस पर खाली लिखा है कुलपति, ये देखिए इतनी मोटी रिपोर्ट है, जांच समिति की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को यहाँ के लोगों ने ठंडे बक्से में रखवा के रख दिया, करवा के रख दिया। उसमें राजनेता भी थे, मुझे खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक राजनेता शिक्षक भी थे, हैं, आप तो रिटायर कर गए, श्री महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने अथक प्रयास किया कि रिपोर्ट को ठंडे बक्से में रख दिया जाए, ठंडे बक्से में रख दिया गया, राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं। कब का रिपोर्ट है सर? जी कब का रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है 2014-15। अच्छा, वो
कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं लिखता रह गया महामहिम को, मैं लिखता रह गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, किसकी कमी कही जाएगी जी? क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, आखिर इसका क्यों नहीं हो रही है, इसका वजह क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, क्या है, पैसे के बल, सारे लोग जानते हैं कि धन बल छल तीनों हमारे प्राचार्य के पास है। धन बल और छल के चलते इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई ना कोई कंटिन्यू, और दूसरी कोई बात नहीं है सर। ये 29 छात्र वाला क्या मामला है? या जोर से बोला जाए सर, 29 छात्रों के नामांकन वाला क्या मामला है? ये तो मामला इधर का है ना, ये तो पहले की बात थी, इधर तो मैं बता रहा हूँ आपको। 29 छात्रों का मामला यह है कि भारत सरकार ने ये नियम बना दिया कि 2020 से किसी भी छात्र का नामांकन मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं हो सकता है अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं करता है। तो यहाँ जो 29 छात्रों का इन्होंने नामांकन किया उसका बहाना दिया है, बहाना यह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में लिखा है कि ये छात्र चूँकि परेशान है, वो हरियाणा का और पंजाब हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसमें टेम्प्रेरी रिलीफ दिया गया था, छात्र गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है आप लोग को मैं परमिशन देता हूँ विशेष स्थिति में, लेकिन किसी कहीं पर ये दोहराया नहीं जाएगा, एग्जाम्पल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो मापदंड है वो मैं नहीं कम करूँगा। तो उसी का उदाहरण लेके और बार सुन लीजिए, मज़ेदार बात यह है तो उसमें जो है था कि फलना डेट तक जिसने एडमिशन लिया है सुप्रीम कोर्ट में, फलना डेट तक जो एडमिशन लिया है, नवंबर का कोई डेट था जहाँ तक मुझे याद नहीं है, उस डेट तक जो एडमिशन लिया है उसी को ये लाभ मिलेगा और उसी लड़के के लाभ मिलेगा जो कोर्ट में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में आया है अपील में। इन्होंने क्या किया कि इसको अपने में ले लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फलना तारीख के पहले जो एडमिशन हुआ है तो एडमिशन इन बैक डेट में, एडमिशन तो किया बाद में लेकिन उसको बैक डेट पे दिखाया कि ये नवंबर में हो चुका है, जबकि सबका एडमिशन जो है वो हुआ है फरवरी मार्च। इसलिए जो जांच हुई थी उसमें जब ये देखा जाने लगा कैश बुक, तो कैश बुक में साफ बात आ गई कि अधिकांश एडमिशन जो है। अच्छा, इन तमाम प्रकरण को जो मीडिया उठा रहे हैं उन पे भी एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, मनहानी का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं, इस पर महोदय आप लोग का क्या जवाब है? आप पे भी मानहानि का दावा उनके तरफ से किया हुआ है और लगातार ये देखा जा रहा है सर कि आप पे ऊपर भी आरोप आ रहे हैं कि आपके वजह से कॉलेज ही नहीं छात्र छात्रा जो है कॉलेज के वो भी परेशान रह रहे हैं, और जिले का एक मात्र ये महाविद्यालय है आपके जिले का है, इसको सुसज्जित तरीके से चलना चाहिए। ये उन लोगों का भी कहना है कि अगर सर ऐसा करें कि वो सुसज्जित तरीके से चले। आपकी क्या दुश्मनी है सर? आप मुझे प्रजापति त्रिपाठी प्राचार्य से कोई दुश्मनी नहीं है, प्रजापति त्रिपाठी नाते में मेरे सारे लगते हैं, मेरे चचेरी बहन की शादी, मेरे चचेरे भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनकी शादी इनकी चचेरी बहन से, तो जब मैं सेक्रेटरी हुआ तो इनको काफ़ी वार्निंग मैंने दिया कि भाई देखिए हम दूसरे टाइप के आदमी हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, अकर्मण्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख वार्निंग के बाद भी इन्होंने अपना काम धंधा जारी रखा, हमने वार्निंग दिया, मैंने इनके जो छोटे भाई हैं इनके कर्ता दर्ता विश्वविद्यालय में, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाचस्पति त्रिपाठी या क्या नाम है त्रिपाठी त्रिपाठी, हाँ जी, उनको वार्निंग दिया कि भाई देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, इनको सस्पेंशन के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो भी आए थे हमारे घर पर, इनकी मैडम आई थी, इन लोगों ने कहा कि माफ़ कीजिए अब ऐसा नहीं करेंगे,
लेकिन जब इन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा तो मैंने इनसे शोकोज किया, शोकोज का जवाब नहीं देना शुरू किया, शोकोज का जवाब भी नहीं देते थे। अंत में वित्तीय अनियमितता, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के आरोप में, इनडिसिप्लिन के आरोप में रजिस्टर चिट्ठी जाती थी, उसको लौटा देते थे कि मैं नहीं लूँगा, मैं इनको संगति नहीं मानता। ऐसी स्थिति में मुझे इनको निलंबित करना पड़ा। आपके ऊपर भी तो 1.5 लाख का गमन का आरोप लगा हुआ है। हाँ बोला जाए, हाँ ठीक है, मेरे ऊपर भी 1.5 लाख के गमन का आरोप है। जब मैंने उन्हें निलंबित कर दिया, जहाँ तक मुझे याद है इनका निलंबन हुआ था मार्च 2009 में, 2009 में मार्च में इनका निलंबन हुआ था। निलंबन के बाद, निलंबन के करीब करीब 1.5 महीने के बाद इन्होंने 1.5 लाख रुपए के गमन का झूठा मुकदमा किया। वैसे न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगा, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुला करके वहाँ पर सिवान के वो मीडिया कर्मी जो वहाँ के भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें चलाते हैं, उनको धमकाया गया कि उन पर मान हानि हो जाएगा, इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? किसी हालत में मान हानि नहीं होगी। उन्होंने अभी अखबार में लिखा है कि किसी आरोप का जवाब पाठक जी नहीं देते हैं, जो भी आरोप लगाया गया है वो सारा आरोप पाठक जी पर सही है। मैं आपको चुनौती देता हूं प्रजापति त्रिपाठी को, मैंने SDM सिवान से फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट सिवान के सबसे बड़े मजिस्ट्रेशियल पावर सबसे बड़ा उन्हीं का होता है, मैंने एफिडेविट करके महामहिम को दिया है, श्री महाचंद्र सिंह ने, इन्होंने सचिव जो हैं उन्होंने यहाँ जांच में कहा कि ये कोई एफिडेविट देते नहीं है, ऐसे अनर्गल चार लगाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ। इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, एफिडेविट नोटरी मजिस्ट्रेट जो होता है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से हमें कहा हम देंगे, मजिस्ट्रेट का कहिए मैं DM का दे दूँ। मैंने दिया और सारे आरोप सही पाए गए हैं, और मेरा कहना सही है तो उनका कहना सही है। जांच रिपोर्ट के जो माननीय सदस्य हैं जो अभी जीवित हैं उनसे आप पूछ। अभी तो उनका उनका जो भी आरोप है वो तो अभी मीडिया के सामने आके नहीं कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि वो शिक्षकों से कहवा रहे हैं। जी कहवा रहे हैं, हम चाहते हैं, देखिए मैंने मीडिया को कहा है और लोगों से भी कहा है, उनके लोगों से भी कहा है कि अगर वास्तव में वे प्राचार्य हैं और सही शिक्षाविद हैं, ईमानदार हैं, तो मैं चुनौती देता हूं सिवान के इंटेलेक्चुअल को बुलाया जाए और वे प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा, और मैं प्रश्न करूंगा उसका उत्तर वो दे दें, इसके लिए वो तैयार नहीं है। आप लड़ाई लड़े 1 साल से, आपका कोई रिस्पांस मिला कि नहीं मिला? जी 1 साल से आप लोग इस बीच की ये खबरें आ रही है, 1 साल हो गया, अब तक कोई रिस्पांस मिला कि नहीं मिला? देखिए रिस्पांस जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला है, लेकिन रिस्पांस मिल रहा है, बहुत धीमी गति से रिस्पांस। अच्छा इस पर जनप्रतिनिधि, अच्छा ये बताइए जो जांच कमेटी आई थी, जांच कमेटी ने मीडिया के सामने ये बात कही थी कि जो प्रजापति त्रिपाठी है वो दोषी है, तो फिर आखिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मीडिया के मेरे बंधुओं, कुछ ऐसी पाबंदी होती है जिसमें चाह के कर भी कोई आदमी बोल नहीं सकता है, उसकी जबान बंद रहती है। ये सारा जो कुछ हो रहा है राजभवन से हो रहा है। अब यह जो है राजभवन के ऊपर किसी को स्पष्ट रूप से कमेंट करने का अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सर उसी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018-19 में जो एडमिशन हुआ है वो अवैध सत्र में हुआ है, वो भी गैर कानूनी ढंग से हुआ है, वो 18-19 का क्या मामला है? 18-19 का मामला यह है, वो तो मेरे पास पेपर से है, अगर चाहिएगा तो पेपर हम भेजेंगे। 18-19 का मामला यह है कि CCIM जो आजकल NCISM हो गया है, उसकी बड़ी आई और उसने इंस्पेक्शन किया। क्या बात है,
हर साल बिना इंस्पेक्शन के इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज का रिन्यूअल नहीं होता है। तो उसमें जो है उसमें आया टीम, आई टीम ने लिखा कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एंड आई रिकमेंड दैट वार शुड नॉट बी एडमिटेड इन सेशन 18-19। उसने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, बिहार गवर्नमेंट को दे दिया और लिख दिया, चिट्ठी भी है हमारे सामने, आपको पढ़ा देते हैं। बिहार गवर्नमेंट को कहा कि आप इंश्योर कीजिए, यूनिवर्सिटी को कहा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी को इंश्योर कीजिए, इंश्योर का मतलब समझते हैं, मैंने एकदम सुनिश्चित कीजिए कि एक भी